आप सभी का उमंग मैथ अकेडमी बाय सुनीश के चैनल पर वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव की प्रॉब्लम। हम आपको क्वेश्चन जो भी लगवाएंगे वो भी आपको टिक द्वारा लगाएंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये आपका यूपी पीजीटी 2002 का है। लिखा कि द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, ये आपका यहाँ पर सच दैट है, ये आपका लिमिट x टेन टू जीरो, x लिखा ब्रैकेट में आपका लिखा 1 प्लस ए कॉस x माइनस आपका लिखा b साइन x अपान में आपका लिखा x क्यूब इक्वल टू आपका 1 दिया है। तो हमें इसकी a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, जो आपका कॉस का पसार होता है और साइन का होता है, ये आपका होता है यहाँ पर। देखिए, आपका जो है साइन x जो आपका है इक्वल होता है आपका x एक्स माइनस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3, इतना हम यूज करेंगे। और कास वाले में देखिए हम कितना यूज करेंगे, कास एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ये आपका है, इतना यूज करेंगे दोनों में, दो टर्म। यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट लिखिए, एक्स टेन टू जीरो करिए, यहाँ जो एक्स है आपका बाहर ही है, यहाँ देखिए आपका 1 प्लस ए, ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ये आपका प्लस है, हम सिर्फ इतना यूज करेंगे। ये आप ब्रैकेट बंद करिए, दो बार ब्रैकेट आपका है। और यहाँ देखिए आपका, ये आपका बी है, बी लिखिए, यहाँ साइन का टू टर्म लिखिए, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3, ये आपका है, अपान में देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए इसमें एक्स बाहर है, इसमें देखिए एक्स हम बाहर ले लेंगे, तो आपका यहाँ पर एक कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, सिर्फ स्क्वायर बचेगा, एक कट जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका है लिमिट लिखिए, एक्स देन टू जीरो करिए, और एक्स एक्स आपका कट गया, सिर्फ आपका क्या बचा है 1 प्लस ए, ब्रेकेट में आपका लिखा, ब्रेकेट में आपका बचा है एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल आपका 2, ये आपका बचा है। यहाँ देखिए आपका एक्स हमने कॉमन ले लिया, सिर्फ आपका बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3, ये आपका बचा है, अपान में आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए इक्वल टू आपका 1 है, क्या है इक्वल टू आपका 1 है। अब देखिए इसमें जो आपका कांस्टेंट है एक साइड कर दीजिए और इसके साथ एक कर लीजिए, जो आपका एक्स स्क्वायर है, जो करेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लिमिट लिखिए, एक्स टेन टू जीरो करिए, यहाँ देखिए आपका क्या करिए, यहाँ देखिए 1, ये आपका 1 रहेगा, इसमें भी आपका ए रहेगा सिर्फ ए, इसमें देखिए आप करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस बी है तो माइनस बी कर दीजिए, ये हमने कर दिया। यहाँ पर आप प्लस करिए, एक्स स्क्वायर करिए, और यहाँ आपका देखिए जब हम फैक्टोरियल 3 का ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 का आपका 2 होता है, तो देखिए यहाँ का आप बी अपान 6 कर दीजिए, और ये हो जाएगा ए अपान 2 कर दीजिए, अपान में क्या है आपका एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 0 कर दीजिए, इक्वल टू आपका 1 है, इक्वल टू आपका 1 है। यहाँ देखिए हम कुछ अलग से रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट हम नहीं लिखेंगे, यह हमने कर दिया, यहाँ पर आपका प्लस है ए एक्स स्क्वायर है, और यहाँ देखिए आपका बी अपान सिक्स आपका है, फैक्टोरियल हमने गायब कर दिया, ये आपका वो ए अपान टू है, अब इधर देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक रूल के अनुसार यहाँ पर देखिए जब इससे कंपेयर आप करेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, तो यहाँ देखिए आपका जो कांस्टेंट इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका स्क्वायर इसके इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए दो फैक्टर आपका बनेगा, पहला फैक्टर आपका बनेगा 1 प्लस ए माइनस आपका बी इक्वल टू 0, ये आपका बना। अब देखिए और सेकेंड वाला आपका जो बनेगा, ये बनेगा आपका बी अपान सिक्स माइनस आपका ए अपान टू इक्वल टू 1, दो बना,
चाहे आप इससे हल करके निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है आपका, है जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें आप पुट कर दीजिए। पहले वाले इक्वेशन में ये आपका दिया a प्लस ए माइनस आपका b, इसमें आप पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए हमने ऑप्शन क्या लिया, फर्स्ट चॉइस किया, चॉइस किया, इसमें देखिए आपका a की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन टू है, यहाँ रख दीजिए माइनस बी अपॉन फाइव अपॉन टू है, सॉरी फाइव अपॉन टू है, और यहाँ पर देखिए आपका माइनस है बी की वैल्यू, तो यहाँ देखिए आपका भी माइनस है यहाँ पर, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए थ्री अपॉन टू। तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए हमें जीरो ले आना इस साइड, तभी आपका यह सही होगा। यहाँ देखिए क्या है आपका, वो ये हो जाएगा, इसको सब सॉल्व करेंगे तो आपका वन माइनस वन इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब ये आपका वेरीफाई कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन तो आपका यही सही है, इसमें देखिए इसको रखेंगे, रख के देख लीजिए, ये आपका नहीं होगा, ये भी आप रख के देख लीजिए, कोई नहीं होगा, सिर्फ आपका यही होगा, इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका ये जो क्वेश्चन आपका है यूपी टीजीटी में 2004 में आया था, 2005 में आया था। यहाँ लिखा कि इफ लिमिट एक्स टेन टू जीरो, यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट में आपका लिखा है ए माइनस एन, ये आपका एन है ए माइनस एन, और ये आपका ब्रैकेट के बाहर आपका है एन एक्स, क्या आपका है एन एक्स माइनस आपका लिखा है टेन एक्स, क्या लिखा आपका टेन एक्स, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, बाहर आपका लिखा है साइन एन एक्स, अपान में आपका लिखा है एक्स स्क्वायर, अपान में आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ जो लिमिट आपकी एक्स टेन टू जीरो है। देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप बनाइए बेहतरीन से, यहाँ देखिए आपका स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ लिमिट लिखिए, हमें देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है वेयर एन इच नॉन जीरो रियल नंबर देन ए इच इक्वल, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ देखिए लिमिट लिखिए एक्स टेन टू जीरो करिए, यहाँ देखिए आपका जो है जो आपका एक्स है इसके साथ एक कर दीजिए, एक चीज के साथ कर दीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ब्रेकेट हम लगाते हैं, कर्ली ब्रेकेट हम गायब कर देते हैं आपका, तो यहाँ देखिए यहाँ हम क्लोज ब्रेकेट लगाते हैं, यहाँ देखिए आपका ए माइनस एन, ए माइनस एन, ए माइनस एन, और यहाँ पर देखिए जो बाहर आपका एन एक्स है अपान में आपका एक्स कर दीजिए, यहाँ देखिए आपका यहाँ माइनस है तो यहाँ देखिए टेन एक्स अपान एक्स कर दीजिए, जो बाहर आपका है इसके भी अपान क्या करिए साइन एन एक्स दिया है आप, इसके अपान में आप एक्स कर दीजिए, इक्वल टू क्या है आपका जीरो है। देखिए जब इसको करेंगे सेम तो आपका ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने क्या किया, यहाँ देखिए आपका एन एक्स है तो यहाँ हम एन एन की एन कर देंगे यहाँ पर, और एक यहाँ एन कर देंगे, तो देखिए ये जो आपका है स्टैंडर्ड फार्म हो जाएगा, ये भी आपका स्टैंडर्ड फार्म है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन हो जाएगी, और इससे देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा देखिए क्या बचता है आपका, ये आपका देखिए ए माइनस एन, और बाहर अभी आपका एन बचेगा, और यहाँ देखिए आपका वन, और यहाँ देखिए जब करेंगे तो क्या होगा, बाहर देखिए ये आपका एक एन है, ये है इक्वल टू आपका जीरो है, यहाँ देखिए आपका जो एन गायब हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका ये बचेगा, ये तो गायब हो जाएगा एन, और यहाँ देखिए एन ए एन, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर इसका, ये हो जाएगा ए एन माइनस आपका एन स्क्वायर, और ये आपका वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए इक्वल टू हो जाएगी आपकी एन, यहाँ देखिए एन लिख दीजिए ए एन, और इक्वल हो जाएगा आपका वन प्लस एन स्क्वायर, और हमें ए की वैल्यू निकालें तो डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ पर हमने क्या किया डिवाइड कर दिया एन से, तो देखिए क्या हो जाएगा जब डिवाइड करें तो आपका आ जाएगी, तो आ जाएगा आपका ए एन प्लस आपका देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस अपान, देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा आपका एन प्लस वन अपान एन, ये आपका इसमें आप डिवाइड कर दीजिए आपका मिल जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका देखिए ये थर्ड वाला आपका सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आपका यूपी पीजीटी 2004 का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं।
ये देखिए आपका लिखा है लिमिट, इफ लिखा है लिमिट एक्स टेन टू इनफिनाइट लिखा है आपका है, क्या लिखा है आपका इनफिनाइट लिखा है, ये ब्रैकेट में आपका लिखा है ए स्क्वायर प्लस वन अपान आपका एक्स प्लस वन, और माइनस आपका लिखा है यहाँ पर देखिए ए माइनस एक्स माइनस आपका बी इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर हमें निकालनी है इसकी है। यहाँ देखिए आपका यहाँ लिखिए लिमिट लिखिए एक्स टेन टू इन्फिनाइट लिखिए, अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ये देखिए आपका जो है जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ आप करेंगे आपका तो हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये देखिए माइनस इसमें देखिए आपका करिए इसमें माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा ए एक्स माइनस प्लस आपका बी, और यहाँ जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये बचेगा, और यहाँ देखिए अपान में क्या है आपका है एक्स प्लस वन, यहाँ देखिए इक्वल टू आपका क्या है जीरो, यहाँ पर दिया है जीरो दिया है, तो यहाँ देखिए लिमिट एक बार और लिखिए आप लिमिट लिखिए एक्स स्क्वायर एक्स टेन टू इन्फिनाइट, और यहाँ देखिए आपका है ये जो आपका स्क्वायर है ये भी एक स्क्वायर आएगा आपका है, तो हम अलग अलग कर रहे हैं तो हम करेंगे अलग अलग, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका देखिए वन माइनस ए, यहाँ माइनस आपका रहेगा ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स यहाँ बी प्लस वन, या जब इसको अलग अलग करेंगे तो आपका यही आएगा। अपान में देखिए क्या हो जाएगा आपका अपान में आपका एक्स प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू जीरो है, क्या है आपका इक्वल टू जीरो है, जीरो है। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने इसको गायब कर दिया, देखिए ये ट्रिक है ये हमने गायब कर दिया, तो सिर्फ हम क्या करेंगे इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर ए माइनस ए, ए माइनस वन माइनस ए आपका वह है, और यहाँ देखिए आपका माइनस माइनस आपका, और यहाँ देखिए आपका बी ए प्लस बी, और ये आपका एक्स, और ये आपका बी प्लस वन इक्वल टू आपका जीरो, या क्रॉस में करेंगे जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करिए बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो आपका हो जाएगा ये आ जाएगा देखिए ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, यहाँ देखिए माइनस आएगा लेकिन यहाँ जीरो तक आप गायब हो जाएगा, सिर्फ आपका ए प्लस बी इक्वल टू जीरो जीरो। इससे देखिए ए की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा वन आ जाएगी, इसमें आप रख देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी ये आ जाएगी क्या हो जाएगी माइनस बी हो जाएगी, माइनस मतलब इसमें आ जाएगी तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन आ जाएगी जब इसमें आप रख देंगे। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ए, और बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस वन, इसमें देखिए ऑप्शन जो आपका है फर्स्ट वाला आपका सही है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, हमारी बहुत से वीडियो लिमिट की और अपलोड हो चुकी है, जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।